अजमेर शहर जिसे 7वीं शताब्दी में चौहान राजाओं द्वारा बसाया गया था। अजमेर को पहले अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। अजमेर राजस्थान की ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है और यहाँ पर स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट। आज बात करेंगे दाल बाटी चूरमा के लिए मशहूर शहर के बारे में, आज बात करेंगे अजमेर के बारे में। खंबा घणी सा, मैं हूँ साहिल, आरोग्य इंडिया में थारो गण गण स्वागत है। अजमेर अरावली माउंटेन से घिरा हुआ है। अजमेर हैज़ बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द हेरिटेज सिटीज़ इन इंडिया और इसी के साथ अजमेर इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भी चुना गया है। अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है और किशनगढ़ एयरपोर्ट इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट इन अजमेर जो कि अजमेर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बहुत सी देखने लायक जगहें हैं जिनमें से एक है दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन ख्वाजा चिश्ती जिसे दरगाह शरीफ भी कहा जाता है जो सभी धर्मों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा, इट इज़ द ओल्डेस्ट मोज़ैक इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था जिसकी वजह से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अकबरी फोर्ट एंड म्यूजियम जिसे आर्किटेक्चरल मास्टरपीस माना जाता है, यहाँ पर बहुत से कमरे हैं जिन्हें हाईली डेकोरेट किया गया है। अजमेर का जैन टेंपल जो कि 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, यहाँ का मेन चैम्बर जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर 1000 किलो से भी ज़्यादा गोल्ड इस्तेमाल किया गया है। अनासागर लेक जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, अनासागर लेक 13 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और ये लेक टूरिस्ट को अपनी ओर काफ़ी अट्रैक्ट करती है और ये टूरिस्ट के मेन स्पॉट्स में से एक है। तारागढ़ फोर्ट जिसे इंडिया का ओल्डेस्ट हिल फोर्ट माना जाता है, तारागढ़ फोर्ट को राजा अजयपाल चौहान के द्वारा बनवाया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ की वाटर क्वालिटी की, तो वाटर रिपोर्ट्स की माने तो पानी में हाई फ्लोराइड लेवल पाया गया जिसका कारण है डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इस तरह के पानी का इस्तेमाल करने से इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर और कई तरह के डिजीज़ हो सकती है जैसे डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड एक्सेट्रा। इतना ही नहीं बल्कि रिंकल स्किन, हाई ब्लड प्रेशर और भी कई तरह के इफ़ेक्ट्स हमारी हेल्थ पर पड़ते हैं। और अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो इसके आपको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जिससे आपको कैंसर और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू WHO 80% डिजीज़ आर वाटरबोर्न और ग्लोबली 2 बिलियन पीपल यूज़ करते हैं इम्प्योर वाटर सोर्स, जिससे हर साल 4,85,000 लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसे में अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वो है वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन के कई तरीके हो सकते हैं जैसे पानी को उबालना, छानना, लेकिन आज के टाइम की बात करें तो वक्त की कमी होने के कारण इसका एक सॉल्यूशन है वाटर प्यूरीफायर। और ये हमारे ऊपर है कि हम अपना टाइम और पैसा एक डॉक्टर के पास इन्वेस्ट करें या फिर एक अच्छे वाटर प्यूरीफायर में। लेकिन एक वाटर प्यूरीफायर परचेज करते टाइम हमारे दिमाग में कई क्वेश्चंस आते हैं जैसे वाटर प्यूरीफायर कौन सी टेक्नोलॉजी का हो, कौन से ब्रांड का हो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी। ऐसे में आपकी मदद करता है आरओ केयर इंडिया और इसके लिए आप आरओ केयर इंडिया के वाटर एनालिस्ट को कॉल कर सकते हैं और एनालिस्ट सभी पैरामीटर्स जैसे आपके पानी में TDS, pH, हार्डनेस, ORP लेवल क्या है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है चेक करते हैं और आरओ केयर इंडिया के वाटर एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करते हैं एक बेस्ट वाटर प्यूरीफायर अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर बजट। क्योंकि आरओ केयर इंडिया 17 सालों से इंडस्ट्री में है, 5,500 सर्विस सेंटर इन ऑलमोस्ट एवरी पिन कोड ऑफ इंडिया, 20,000 टेक्नीशियंस का नेटवर्क और 15 लाख हैप्पी कस्टमर्स का परिवार, तभी तो लोग भरोसा करते हैं आरओ केयर इंडिया पर। आप अजमेर के किसी भी एरिया में क्यों ना हो, आरओ केयर इंडिया आप तक पहुंचाता है एक वेल ट्रेन टेक्नीशियन जो सर्विस के टाइम पर ध्यान रखता है पूरी हाइजीन का और यूज़ करता है जेन्युइन RCI मैन्युफैक्चर्ड स्पेयर पार्ट्स विच इज़ ISI एंड NSF सर्टिफाइड और ज़रूरी बात क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और आप प्ले स्टोर से आरओ केयर इंडिया का कस्टमर सर्विस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, सेव द वाटर, अपने वाटर प्यूरीफायर में से निकलने वाले वेस्ट वाटर को आप सेव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने घर के कामों में। अधिक जानकारी के लिए आरओ केयर इंडिया की वेबसाइट को चेक करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डू सब्सक्राइब द चैनल। अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए, हमारे एक्सपर्ट इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थारा होस्ट, थारा दोस्त साहिल, राम राम साहब।